हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज के क्लास में हम जानेंगे एकलव्य का जो आर्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में। एकलव्य का जो आर्ट का वैकेंसी निकला है, बेसिकली उसका लास्ट डेट चला गया है। आप जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, मे पॉसिबल वो लोग अप्लाई कर चुके होंगे। एंड ये वीडियो सिर्फ उसके लिए नहीं, एकलव्य के लिए नहीं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे के लिए भी आ रहे हैं और जो 12th के और 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत काम में आने वाला है ये वीडियो। और जैसे कि हम स्पेसिफिकली अभी एकलव्य को ही टारगेट करके पढ़ रहे हैं, सो आपके स्क्रीन में जो इसके बाद सिलेबस आएगा वो एकलव्य का ही सिलेबस आएगा। सिलेबस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जितने भी एग्ज़ाम्स आज तक हो रहे हैं इंडिया में आर्ट टीचर के एग्ज़ाम्स, उसमें मेनली KVS हो गया, NVS हो गया, EMRS जो एकलव्य बोल रहे हैं, OABS जो इससे पहले मेरा जो सीरीज़ था ओडिशा के OABS आर्ट टीचर के बारे में, ये सब में तकरीबन यही सेम सिलेबस को ये लोग फॉलो करते हैं। जिस जो सिलेबस के बारे में आप लोग इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे और ये एक एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग बार बार पढ़ के उसको एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस में लाने की कोशिश है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं आज के सिलेबस के बारे में, एकलव्य का जो TGT आर्ट टीचर है उसका सिलेबस देखने के लिए। सो सिलेबस आप देख पा रहे होंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग का सिलेबस है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट के हिस्ट्री के बारे में हम जान रहे हैं, जिसका Unit 1, जैसे कि कुछ यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक एक यूनिट को हम पढ़ते जाएंगे, जिसमें Unit 1 में आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या आर्ट फॉर्म्स आए, क्या क्या आर्ट बना, कैसे लोगों में आर्ट का कॉन्शियसनेस रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत ही इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में देखें तो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम आर्ट के एस्पेक्ट से देख रहे हैं या फिर सिलेबस के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो मेन जो ध्यान देने की चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली यही सिलेबस लिखा है मतलब यही आएगा या फिर इसी के ऊपर ही आएगा, कुछ इसके रिलेटेड भी आ सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स या फिर आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है। बट स्टिल हमें ध्यान रखना है कि मेनली ये चीज़ें आएंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये तो हमें पता है हिस्ट्री में हड़प्पा मोहनजोदड़ो मेन सिटीज थे, लेकिन फिर उसका पीरियड लोकेशन क्या था, कैसे 1500 माइल्स तक ये फैला हुआ था, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है जिसमें मेन आर्ट इफेक्ट्स हमें मिलते हैं, और इंडिया में क्या क्या है, रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली, धौलावीरा इन इंडिया, ये हैं मेन लोकेशंस इंडिया के। ऐसे और भी बहुत सारे लोकेशंस हैं जिस लोकेशन इंडिया में बहुत सारे लोकेशन हैं जिसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भग्नांश है वो मिलता है। बट और एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, जो ये है कि अगर आप ये सिलेबस को ही ध्यान रख रहे हैं या फिर ये सिलेबस को ही याद आप कर रहे हैं, सो 10% ऑफ योर प्रिपेरेशन विल कंप्लीट ऑन द सिलेबस ओनली। अगर आप सिर्फ सिलेबस को ध्यान रख दें, सिर्फ आर्ट हिस्ट्री के लिए ही बोल रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ आर्ट में अगर आप सिर्फ सिलेबस को पूरा याद कर लिए हैं, इसका मतलब ये है कि आप 10% सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, तो याद रखने में मेन चीज़ ये है कि 1500 माइल्स का अपना फैलाव था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली, धौलावीरा, ये सब जगह थे। उसके बाद क्या आया, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, कुछ मेन चीज़ों का स्टडी है, जिसमें आता है स्कल्पचर और टेराकोटा। स्कल्पचर्स आते हैं और टेराकोटाज आते हैं। स्कल्पचर में क्या है, डांसिंग गाल ब्रोंज में बना मोहनजोदड़ो पीरियड में, 10.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर, 2500 BC में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ये अभी है। देखिए मैं जो बोला था आपको 10%, क्यों 10% बोल रहा हूँ, ये देखिए अगर हम डांसिंग गाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जिस बेसिक जो MCQs हैं वो यहाँ पे हैं, जैसे कि डांसिंग गाल कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो पे है, कौन से मीडियम में बना, ब्रोंज मीडियम में बना, कौन सा साइज है, 10.5 × 5 × 2.5, कौन से टाइम पे, 2500 BC में, कहाँ पे कलेक्शन है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, तो यहीं पर ही देखिए आपको 5 या 6 जो मेन MCQs हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वैसे ही क्या पढ़ रहे हैं हम, मेल टोर्सो जो स्टोन में बना हड़प्पा में है, 9.2, 10, 5.8 और 3 सेंटीमीटर में,
वही सेम पीरियड में, तकरीबन वही सेम पीरियड में सब कुछ बने हैं, बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड वो वही पीरियड में था इसलिए। और ये भी सेम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, मदरगढ़ इज 22x8x5 cm में है, टेराकोटा में बना, मोहनजोदारो में है, 2500 BC में हुआ, नेशनल म्यूजियम में अभी है। ये तीन चीज़ें थे स्कल्पचर एट टेराकोटा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सील्स के बारे में या फिर और कुछ आर्ट इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। सील्स में देखो मेनली है बुल, ये जो बुल सील है, ये बुल सील का हमें अगर हम ऐसे एक सील के बारे में बोल रहे हैं बुल सील, लेकिन बुल का जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत तरह से है और ये सील भी तरह तरह से आ रहे हैं। जैसे पशुपति सील हो गया, बुल का दो तीन तरह के सील, बुल का ही है दो तीन तरह के सील, ठीक है। तो हमें तीन चार तरह के सील हम देखेंगे जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस याद ये रखें कि बुल मोहनजोदारो में है 2.5, 1.4 में। जब भी 2.5, 1.4 या ऐसा हम कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ये है 2.5, ये जो पार्ट है ये है 2.5, ठीक है। ये सारे 2.5 हैं और इसका जो ये वाला पार्ट है ये है 1.4 में। इसका ये वाला जो पार्ट है ये है 1.4, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि ये थ्री डायमेंशन में ऐसा दिया गया है, ठीक है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग में, और हम डेकोरेशन ऑफ अर्देन वेयर्स भी पढ़ रहे हैं कि अर्देन वेयर या फिर मिट्टी का जो घड़े हैं, मिट्टी का जो यूटेंसिल है, उसको कैसे डेकोरेट करते थे, क्या क्या उसमें। ये था टोटल यूनिट वन के बारे में। अभी आ रहे हैं हम यूनिट टू में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हिंदू आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिंदू आर्ट में हिंदू माइथोलॉजी के रिलेटेड पेंटिंग्स, माइथोलॉजी के रिलेटेड स्कल्पचर्स देखेंगे। जैन में भी वही जैन कल्पसूत्र काइंड ऑफ थिंग देखेंगे पेंटिंग में, और जैन तीर्थंकर जैसे स्कल्पचर देखेंगे। बुद्धिस्ट में भी बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स देखेंगे और साथ साथ में बुद्धिस्ट स्कल्पचर भी देखेंगे। ये पीरियड कौन सा रहा, 3rd century BC से 8th century AD तक, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग मौर्य, मौर्य पीरियड में क्या डेवलपमेंट हुआ बुद्धिस्ट जैन हिंदू आर्ट में, सुंग, कुषाण एंड गुप्त, ये चार जो पीरियड हैं, ये चार पीरियड में कैसे कैसे चीज़ें हुए उसके बारे में डिस्कस किया गया है। नाउ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स में क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स में लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, सारनाथ में लायन कैपिटल क्या रहा, मौर्य पीरियड में हुआ, पॉलिश सैंडस्टोन में हुआ, 3rd century BC में, कलेक्शन है सारनाथ म्यूजियम यूपी में। फिर चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज, वो सेम मौर्यन पीरियड, स्टोन में हुआ, पॉलिश सैंडस्टोन, 3rd century BC, पटना म्यूजियम बिहार में है। बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला, गांधार पीरियड में हुआ, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। साइज उसका दिया गया है 27.5, 20 एंड 15, ओके। कलेक्शन है नेशनल म्यूजियम, टाइम कौन सा रहा, 2nd century AD। और क्या है, सिटेड बुद्धा फ्रॉम कात्रा टीला मथुरा, या फिर कात्रा माउंट भी बोलते हैं। तो अभी बोधिसत्व का जो है, एक है बोधिसत्व हेड, एक है बोधिसत्व कात्रा टीला या फिर कात्रा माउंट, कुषाण पीरियड में हुआ, मथुरा म्यूजियम में ही है, ओके। देन सिटेड बुद्ध फ्रॉम सारनाथ, गुप्त पीरियड में हुआ, स्टोन में बना, 5th century AD में, सारनाथ म्यूजियम यूपी। जैन तीर्थंकर, जहाँ पे अभी जैन पे हम आ रहे हैं, स्टेट म्यूजियम लखनऊ पे है, ये भी स्टोन पे ही बने हुए हैं, ओके। नाउ ये था जो मेन बुद्धिस्ट जैन और हिंदू आर्ट के बारे में। उसके बाद क्या आता है, मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू अजंता, जिसमें खूब सारे आपको मिलने वाले हैं MCQs, जिसमें बहुत सारा चीज़ें ध्यान देने वाला भी है और बहुत सारी चीज़ें याद रखने वाला भी है। आपको याद भी रखना पड़ेगा, आपको साथ साथ ध्यान भी देना पड़ेगा चीज़ों को, कैसे क्या क्या है उसमें, लोकेशन अब कौन से लोकेशन में रहा, कौन से पीरियड में हुआ, कितने नंबर केव हैं, कितने नंबर्स के केव हैं, एक एक केव का क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में केव में से कितने चैत्य, जैसे केव थे, केव को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक था चैत्य एक था बिहार। ये जो चैत्य और बिहार हैं उसको कौन कौन से चीज़ों में डिवाइड किया गया, कौन कौन से केव्स चैत्य केव्स हैं एंड कौन कौन से केव्स बिहार केव्स हैं, ओके। उसमें क्या क्या पेंटिंग्स बने, क्या क्या स्कल्पचर बने, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, ये सारी चीज़ें
हम पढ़ेंगे अजंता के बारे में, और इसमें जो मेन पेंटिंग और स्कल्पचर है वो है पद्मपाणि बोधिसत्व, अजंता केव में दिखा म्यूरल पेंटिंग, और मोराविजय केव नंबर 26 में फिफ्थ सेंचुरी एडी में बना, ये भी फिफ्थ सेंचुरी एडी में बना। ये दो ये के बारे में हम मेनली पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, या फिर पेंटिंग्स के टाइप्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और चीज़ों को इसलिए समझने के लिए बोल रहा हूँ कि इस यूनिट का, मान लीजिए आप इस यूनिट को पढ़ लिए, अभी हम जब जाएंगे नीचे की तरफ तो इसी यूनिट का ही क्वेश्चन आने वाला है, फिर दूसरे यूनिट में जहाँ पे नंदलाल बोस मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं वो फिर अजंता के साथ क्या रिलेशन है, ये सारा भी वहाँ पे आने वाला है। ओके, नाउ टेम्पल स्कल्चर, टेम्पल स्कल्चर ब्रोंज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स, चार चीज़ें हैं। एक तो टेम्पल्स के जो जो स्कल्चर्स हैं वो स्कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है जो जो ब्रोंज वहाँ पे, जो ब्रोंज का टेक्निक इंडिया एडॉप्ट किया, और क्या क्या ब्रोंज में क्या क्या स्कल्चर्स बने, जैसे नटराज हो गए, जैसे ब्रोंज का क्या क्या स्कल्चर्स बने वो पढ़ेंगे। साथ में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या प्रभाव रहा, कैसे कौन सा चीज़ें जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बने वो पढ़ेंगे, और साथ साथ पढ़ेंगे आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल, इंडियन का जो टेम्पल्स हैं उसका आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स क्या है। टेम्पल तो बना है, टेम्पल का आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर के साथ क्या क्या आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स है जिसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्चर, टेम्पल स्कल्चर का इंट्रोडक्शन होगा जहाँ 6th सेंचुरी एडी से शुरू होगा 13th सेंचुरी एडी तक, जिसमें हम पढ़ेंगे डिसेंट ऑफ गंगा पल्लव पीरियड में महाबलीपुरम तमिलनाडु, देन रावण सेकिंग माउंट कैलाश राष्ट्रकूट पीरियड एलोरा में है, त्रिमूर्ति एलिपेंटा महाराष्ट्र, लक्ष्मी नारायण कंदरीय महादेव टेम्पल चांदेला पीरियड खजुराहो, सिंबल प्लेयर सन टेम्पल गंगा डायनेस्टी कोणार्क ओडिशा। स्कल्पचर्स दिए गए हैं, उसके जगह का नाम दिया गया है, कौन से पीरियड में हुआ दिया गया है, इट्स ए टेबल। ये टेबल को अगर हम ध्यान से याद रख रहे हैं कि इस टेबल से हमें जाना है, तो हम उसको और भी इजीली कवर कर सकते हैं, टेबल अगर हमें ध्यान है तो। एंड एट द लास्ट क्या है, मदर एंड चाइल्ड बिमला शाह टेम्पल सोलंकी डिनेस्टी दिलवारा माउंट आबू राजस्थान में, जो बना व्हाइट मार्बल पे। अलग अलग जगह हैं, अलग अलग डायनेस्टीज हैं, अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल स्कल्पचर्स हैं। ना ब्रोंज, ब्रोंज में क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ब्रोंज बेसिक हिस्ट्री, कैसे इंडियन ब्रोंज आया, कैसे डेवलपमेंट हुआ। साथ में सॉलिड कास्टिंग क्या है, होलो कास्टिंग क्या है, जब हम ब्रोंज बनाते हैं कौन से प्रोसेस में ब्रोंज कास्टिंग होता है, दो प्रोसेस है, सॉलिड ब्रोंज कास्टिंग, होलो ब्रोंज कास्टिंग, इसको देखेंगे। देन साउथ इंडियन, जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्रोंज का जो प्रैक्टिस हुआ, जिसमें नटराज बना तांजाबुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, जिसमें देवी उमा बने चोलो पीरियड में नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, जिसका जिन दोनों का ये है रखे गए हैं जिन दोनों स्कल्पचर्स को, उसके बारे में मेनली हम ध्यान देंगे। एक तो तमिलनाडु में बना था और एक चोलो पीरियड में बना था, ठीक है। फिर आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, सॉरी मेरा फिसलन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन तो बेसिक सा है, हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, साथ में हम क्या पढ़ेंगे, कुतुब मीनार दिल्ली में, ताजमहल आगरा में, और गोल गुंबज बीजापुर में। अभी एक चीज़ ध्यान देने वाला है, जो चीज़ है कि जैसे जो जो स्कल्पचर्स हैं, स्कल्पचर्स को हम एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा पा रहे हैं, है ना, तो जिसको हम ले जा पाएंगे जो फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम बोल रहे हैं स्कल्पचर जो नेशनल म्यूजियम में है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कुछ नेशनल म्यूजियम में है या फिर कोई ये ऐसा है कि इसको ले जा सकते हैं, तो वो स्कल्पचर कैटेगरी में। टेम्पल स्कल्पचर क्या हो रहा है, जो टेम्पल में ही है उसको ला नहीं सकते, वो वहीं पर ही है, ठीक है। और जो आर्किटेक्चर्स हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया, आप कुतुब मीनार को उठा के कहीं दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, है ना, तो कुतुब मीनार जैसे हो गया, ये चीज़ें। तो तीन कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, ये कैटेगरीज को भी आपको अच्छे से ध्यान देना है, वरना ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं नटराज किसी टेम्पल का स्कल्पचर है, नटराज टेम्पल का स्कल्पचर नहीं है, वो बस स्कल्पचर है ना। ये था हमारा जो हम जो पढ़ेंगे, इसके जो तीन यूनिट थे, ये तीन यूनिट है मेनली
फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टडी, हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये 11th और 12th में पढ़ाया जाता है, 11th और 12th में CBSE का जो पेंटिंग का जो ऑप्शनल है इसमें पर्टिकुलर यही सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो ये था अपना 11th का सिलेबस या फिर सिलेबस पार्ट 1। अभी हम पढ़ रहे हैं सिलेबस पार्ट 2, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है सिलेबस पार्ट 2, और सिलेबस पार्ट 2 को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये चैनल का जो कंटेंट है ये अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो भी आपका डाउट है या फिर कमेंट है आप उसको कमेंट सेक्शन में डालें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिलेबस पार्ट 2 के साथ।